अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कुरम मलिक है और आज मेरे पास हैं तोशी भाई हैं, अटक से आए हैं और डिस्पैचिंग बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनसे पहले जावेद भाई थे, वो भी अटक से आए थे। एक अदनान भाई हैं, वो भी अटक में होते हैं। तो माशाल्लाह अटक के काफ़ी लोग इस चीज़ में आ रहे हैं, तो मैं तो बाकी लोगों को भी कहूँ कि यार आप लोग भी कुछ इसमें अपना इनपुट दिखाएं, कुछ आप लोग भी सीखें। तोशी भाई पहले जो काम कर रहे थे ये बेसिकली अमेज़न का काम कर रहे थे, अमेज़ॉन का पिछले 4 साल से काम कर रहे थे और अब जाके वो अपना प्लान चेंज कर रहे हैं कि वो डिस्पैचिंग की तरफ आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि वो लोग जो इस टाइम अमेज़ॉन के कोर्सेज बेच रहे हैं या कोर्सेज खरीद रहे हैं या अमेज़ॉन के चक्रों में पड़े हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस टाइम अमेज़ॉन क्या फीसिस चार्ज कर रहा है, अमेज़ॉन की इनकम क्या है, अमेज़ॉन में इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को क्या रिटर्न मिलेगा, कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोग अमेज़ॉन में आना चाहते हैं तो अमेज़ॉन में आने से पहले उसकी आप ज़रा इनकम सुन लें, उनकी उसके टैक्सेस सुन लें, उसका मार्जिन सुन लें, उसका इन्वेस्टमेंट भी सुन लें कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्या और उसमें आपको क्या रिटर्न मिलेगा। जी तोशी भाई, कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सर अल्लाह का शुक्र। तोशी भाई, आप किस शहर से आए? मैं अटक सिटी से आया। अटक सिटी से, तो माशाल्लाह से आप अमेज़ॉन का काम कितने सालों से कर रहे हैं और कितने साल पहले? 2017 में मैंने स्टार्ट लिया था अमेज़ॉन के ऊपर और वॉलमार्ट और सैम्स क्लब से जो ना हम लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, फिर उसके बाद FBA होलसेल भी हम लोगों ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से हम लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं। तो बस, लेकिन अब जो अमेज़ॉन के हालात जा रहे हैं सर, तो उस हवाले से हम चाह रहे थे कि हम लोग अपने बिज़नेस मॉडल को चेंज करें थोड़ा सा, और बिज़नेस को जो है ना, इस तरह आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं डिस्पैचिंग के हवाले से, तो इसमें काफ़ी मुझे इंटरेस्ट आया, तो इसलिए आज आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो बाकी मेरा भी कहना यही है कि भाई आप लोग जो है ना अभी सर्विसेज की तरफ आएँ, आप लोग कोशिश करें कि आप ऐसे बिज़नेस को जो है ना चूज़ करें जिनमें सर्विसेज का जो है ना ज़्यादा काम हो। अमेज़ॉन में मुझे सिर्फ ये बताएं कि अमेज़ॉन में बेसिकली आप इस टाइम एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करके क्या अर्निंग ले सकते हैं और अमेज़ॉन इस टाइम क्या टैक्सेस आपको चार्ज कर रहा है? सर, इस टाइम पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अमेज़ॉन के अंदर एक हाई इन्वेस्टमेंट करके भी आपको ROI नहीं मिलती। सपोज मैं बात करता हूँ, अगर 1 मिलियन की, एक नॉर्मल बंदा 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अपनी लेता है, कस्टमर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको क्या बेनिफिट हो सकेगा? बेनिफिट सर ये बाय चांस है, अगर तो उसकी कोई प्रोडक्ट चल गई तो शायद वो $200-$300 कमा ले उससे ऊपर। अगर प्रोडक्ट मोस्टली जो आजकल के हालात जा रहे हैं जिसके अंदर FBA फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, जिसकी वजह से अमेज़ॉन की मतलब बहुत सारी फीसेस जो है ना वो रिवाइज हुई हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कंसिडर नहीं कर सकते कि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको कोई प्रॉफिट होगा। फर्स्ट 6 मंथ में कोई प्रॉफिट नहीं, ये छोटी बात है। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि जी डे फर्स्ट से हम आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और 1 महीने के बाद आपको $1,000 or $2,000 मिलना शुरू हो जाएगा, ये सब झूठ है। यानी कुछ वो सब लोग जो कोर्सेज सेल आउट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। जी अब तो ऐसा ही हालात है कि हर बंदा जस्ट अपने कोर्सेज बेचने की तैयारी कर रहा है, हमारे कोर्सेज बिके हैं बस। मेरा एक सवाल है कि अगर सपोज आपकी $10,000 की सेल होती है तो उसके ऊपर सेल पे, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी अमेज़ॉन पे $10,000 की सेल होती है तो उस पर आपको क्या कितना प्रॉफिट हो जाएगा सारे टैक्सेस काट के, FBA के सारे? सर ऐसा है कि पहले हम लोग $10,000 की सेल करते थे तो हमारी ROI 15-20% आती थी। $2,000 और $1,500 हम इजीली कमाते थे अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह निकाल के, जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अभी पिछले महीने की अगर मैं बात करूँ तो हमारी सेल तकरीबन अराउंड अबाउट $10,000 to $11,000 तक गई है और हमारा जो टोटल प्रॉफिट टैक्सेस निकालने के बाद बचा है हमें वो राउंड अबाउट $300-something हमारा प्रॉफिट आया है। तो जिसकी वजह से सॉरी कितने पे 3000 आया? ये 11,000 की सेल के ऊपर टोटली $300-$400 के दरमियान प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है जिसमें फीसेस कट गई, जिसमें सब चीज़ें कटने के बाद। तो जब भी हम लोगों ने कहा कि भाई अब जो है ना ये टाइम आ गया है कि हमें $11,000 पे अगर $3,000 आपको अर्न हुआ है, ये $300 माय गॉड, $10,000 की सेल करके इनको जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है वो ओनली $300 हो रहा है, यानी टोटल 10,000 की सेल करने के ऊपर इन्हें $300 बच रहा है पूरा महीना काम करने के बाद। तो $300 तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से हमारे डिस्पैचिंग कंपनी में शायद ये 1 दिन की भी हमारी इनकम नहीं होगी। हम अगर वन डे भी हम काम कर ले तो हम 300 to $400 भी निकाल लें हम यहाँ पे। तो आप अमेज़ॉन जिस टाइम अमेज़ॉन में आना चाह रहे हैं, लोग अमेज़ॉन कह रहे हैं कि अमेज़ॉन दुनिया के 7वें नंबर का बड़ा बिजनेस है, कुछ भाई हैं वो टिकटॉक पर मुझे कमेंट करते हैं, तो आप क्या मशवरा देंगे हमारे स्पेशली पाकिस्तानियों को कि अमेज़ॉन के अंदर उनका फ्यूचर है या नहीं, अमेज़ॉन को उन्हें काम करना चाहिए? इस टाइम पे मैं यही कहूँगा कि अगर अमेज़ॉन पे आप लोगों ने आना है तो फिर आप लोग एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए, आप सर्विसेज दें, बेशक आप किसी क्लाइंट को डील करें, US के क्लाइंट को जिनका एक बहुत बड़ा बजट है, जिन्होंने $50,000-$60,000 की जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उनके लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और उनको बोलेंगे जी हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें एज अ VA हायर कर लें।
सर्विसेज का बिजनेस अच्छा है अगर आप अमेज़न पे आते हैं तो बीए इजीली इस फील्ड में इन हो जाता है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत मुश्किल है, यानी बहुत बड़ा जो है ना कहना है इसके अंदर कंपटीशन भी है। और जब आपको क्लाइंट मिलता है तो क्लाइंट ऑलरेडी आपसे सवाल करता है कि मुझे बताएं कि जी आप ऑलरेडी कितने अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, और अगर प्रेशर होगा तो उसका इन्होंने तो फिर बहुत मुश्किल है। और इंटर्नशिप जिधर वो करता है वहाँ इंटर्नशिप के अंदर उसको कुछ मिलता नहीं है तो बच्चा दो तीन महीने के बाद डिसार्ड हो गया, काम छोड़ देता है। और बीए का कोर्स करने के लिए उस बच्चे को जाके मेरे ख्याल से कोर्स खरीदना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जी नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट हैं वो इस टाइम पे जो है ना वो 50 से 60 हज़ार रुपया एक मंथ का चार्ज करते हैं। 50 से 60 हज़ार चार्ज करके आपको वीए बनाएंगे, और वीए बनने के बाद भी आपकी लक है कि आप आगे इन हो या ना हो। और जो एक्सपीरियंस वीए होता है जो ऑलरेडी कोई 8-10 अकाउंट या 4-5 अकाउंट चला रहा होता है वो बड़ी मुश्किल से जाके इन होता है। जो फ्रेशर होगा उसके लिए तो कितनी मुश्किल आएगा इन होने के लिए। और अगर जैसे अकॉर्डिंग टू तोशी भाई वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर ना आए, अगर इन्वेस्टमेंट प्लान आप अमेज़न में लेकर आते हैं और अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं और उसमें एक दो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि मैं 4-5 लाख की तो कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं रह गई होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्योंकि प्रोडक्ट्स पहली बात ये है कि ऑलरेडी आजकल जो है ना आपको प्रोडक्ट अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। आप अगर होलसेल में आना चाहते हैं तो होलसेल के लिए तकरीबन पिछले 4-5 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ तो पहले भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो प्रोडक्ट अप्रूवल ब्रांड अप्रूवल मिल ही नहीं रहा। अच्छा बिल्कुल नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट मिल भी जाती है एक महीना लगा के एक बच्चा एक प्रोडक्ट ढूंढ लेता है उसके बाद जिस टाइम पे वो ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए जाता है तो ब्रांड उसको अप्रूवल नहीं देता। ठीक है, आपके कहने का मकसद है कि एक महीना एक बंदा प्रोडक्ट हंटिंग में लगाता है और प्रोडक्ट हंटिंग जब करके वो प्रोडक्ट फाइनल करता है और फाइनल करके जब उसकी ब्रांड के अप्रूवल पे जाता है तो सम टाइम वो अप्रूवल ही नहीं मिलती। और अगर अप्रूवल मिल जाती है तो फिर उसके बाद उसके क्या होता है? अप्रूवल अगर मिल जाए तो फिर हमारे MOQs इतने हाई हो गए हैं कि भाई आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कम से कम 500 यूनिट्स की होनी चाहिए। अच्छा, वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, वो फॉलो नहीं करेंगे तो ब्रांड फायरिंग कर देगा। पहले ब्रांड ये था कि भाई अपने सप्लायर दे देता था कि भाई हमारा ये सप्लायर आप इससे बात कर लें या हमारा ये जो है साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है आप इससे बात कर लें। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी MOQ आपका तकरीबन नॉर्मली मिनिमम 100 यूनिट्स पे चला गया। मतलब पहले ये था कि हम 10-15-20 पीसेस जितना हमारा दिल चाहता था हम परचेज कर लेते। अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट के आपके पास जो जितनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब किसी के पास अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो वो 2 लाख के हिसाब से परचेजिंग कर लेता था। लेकिन अब उनके MOQs फिक्स हो गए हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बाकी आप रनिंग प्रोडक्ट कोई भी उठा लें तो वो हर प्रोडक्ट सेल होती नहीं। यानी अब आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो भी ब्रांड के अकॉर्डिंग करनी है। ब्रांड के अकॉर्डिंग कर रही है और ब्रांड आपको कहता है कि जी जो ब्रांड है वो तो 500 यूनिट से नीचे बात ही नहीं करता। और ब्रांड ने आपको अपना प्रोडक्ट बेच दिया यानी सेल कर दिया, आगे वो बिके ना बिके वो आपका है, वो हमारा है। और इसके बाद कितनी दफा मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मेरी एक प्रोडक्ट वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस पे चली गई थी कि मेरी सेल्स ही नहीं थी। रिसेंटली मेरे एक अकाउंट, मेरे क्लाइंट का अकाउंट था, उसके अंदर हम लोगों ने उसको डंप करवाया। नुकसान और अमेज़न का फायदा करना चाहे ना लीगल वे के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहे आपको ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी वो ROI नहीं रही। यानी जो लोग इस टाइम शाहिद अनवर से बड़े इंस्पायर हो रहे हैं या जो लोग उन Amazon के जो बड़े इस टाइम लेक्चरर बैठे हुए हैं जो आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनके अपने अकाउंट से पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि मोस्टली तो सर ऐसा ही है कि जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उनके अपने अकाउंट होते ही नहीं। अच्छा, जो लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वैसे मेरा अपना भी नोटिस में था, एक दो लोगों को मैं भी जाता हूँ पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन उनके अपने अकाउंट्स नहीं है और वो अपनी फेसबुक के ऊपर वीडियोस जैसे लाइक शाहिद अनवर को तो मैं 100% जानता हूँ उसका अकाउंट नहीं है भाई, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस टाइम जो है ना वो शॉर्टकट तरीके बड़े पसंद आते हैं कि हमें जी रातों रात ओवर द नाइट हम अमीर हो जाएं और हम जी रात को काम करें और सुबह $1,000-2,000 की हमारी इनकम हो जाए। तो मैं सब लोगों को ये हमेशा एडवाइस करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि ओवर द नाइट सक्सेस नहीं मिलती, आप लोगों को काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रगल आपकी मेहनत इन राइट वे है, सही डायरेक्शन में है, अपनी डायरेक्शन को सही कर लें आप, बस आप शॉर्टकट में ना जाए, अपनी डायरेक्शन को सही करके अगर आप उसमें स्ट्रगल करते हैं मेहनत करते हैं तो आफ्टर सम मंथ्स आफ्टर सम टाइम आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको टाइम लगता है लेकिन उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, तो शॉर्टकट में ना जाए।
ये शाहिद अनवर, ये जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं जो आपको बार बार तो ये मोटिवेट करते हैं जी अमेजोन कर लो अमेजोन कर लो, ये भाई पिछले 5 साल से अमेजोन का काम कर रहे हैं और 5 साल से अमेजोन का काम करने के बाद अब वो इतने डिसहार्ट हो चुके हैं, वो कह रहे हैं इतनी फीसिस बढ़ गई हैं, एफबीए के इतने टैक्सेस बढ़ गए हैं, अमेजोन इतना चार्ज कर रहा है कि $10,000 की अगर हम सेल करते हैं तो जाके $300 हमें बचता है सारे टैक्स कट कटा के, और वो $300 भी जब ट्रांसफर करते होंगे तो आप यहाँ भी फीसिस कटती होंगी, यहाँ पर भी फीसिस कट जाती है काफ़ी। तो इसी वजह से सर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं अमेजोन के बिजनेस के अंदर। तो मेरे अपने जो क्लाइंट्स थे मैं उन सबको, मेरा एक नया प्रोजेक्ट है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, मोस्टली क्लाइंट्स को मैं फेसबुक पे ले आया हूँ और फेसबुक पे हम लोग मार्केट प्लेस पर भी काम कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग मोनेटाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो बस मेरा मशवरा यही है कि फेसबुक अच्छा पे कर रहा है मेरे ख्याल से। जी फेसबुक माशाल्लाह बहुत अच्छा पे कर रहा है, मेरे ख्याल से अभी फेसबुक को स्टार्ट किए हुए शायद साल दो साल हुए तकरीबन, एक डेढ़ साल हो गया और अभी वो मार्केटिंग के चक्कर में लोग अच्छा पे भी कर रहे हैं। तो उसकी जो लोकल मार्केट है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। हम लोग यूएस के अंदर भी काम कर रहे हैं, हम यूके के अंदर भी काम कर रहे हैं, प्लस पाकिस्तान की लोकल कॉमर्स के ऊपर भी हमारा। आप पता है सिर्फ दुनिया की आबादी कितनी है? अराउंड 8 बिलियन के करीब है। 8 बिलियन इस टाइम दुनिया की आबादी है, और आपको पता है इस टाइम फेसबुक कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? लेकिन अगर हम पर पर्सन देखते हैं तो 8 बिलियन इस टाइम दुनिया की आबादी, और अकॉर्डिंग टू फेसबुक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग इस टाइम दुनिया में 5 बिलियन लोग जो है वो फेसबुक यूज कर रहे हैं। 5 बिलियन 5 अरब लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और फेसबुक की मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है जो हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट और भी कुछ मार्केट प्लेसेस हैं लाइक ओलेक्स है, पाकव्हील्स है, zameen.com इस तरह की चल रही हैं। लेकिन अब फेसबुक भी इस चीज़ में इन हो रहा है कि आप अपनी कोई भी चीज़ सेल करें, अपनी कोई एडवर्टीजमेंट करें, कोई मार्केटिंग करें तो आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर वो कर सकते हैं। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म को कमर्शियल कर दिया उसने ऑलमोस्ट, और फेसबुक इस टाइम अब फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि वो भी अमेजोन की तरह जाके अपने फीसेज अप कर दे, टैक्स बढ़ा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग फेसबुक पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन तोशी भाई की स्टोरी सुन के मैं थोड़ा सा इसलिए अपसेट हूँ उन लोगों के लिए भी कि 5 साल से अच्छा कुछ लोग तो अभी सीखने के चक्करों में हैं जो अमेजोन के बैठे हैं लेक्चरर और ये जो अपना इन्फ्लुएंसर जो लोगों को गाइड दे रहे हैं और कोर्सेज अभी भी बेच रहे हैं अमेजोन के, तो वो लोग तो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो बेचारे बच्चे नए अभी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, अपने बाहर जाके अमेजोन के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि इस काम में मत पड़े, आप एटलीस्ट नए लोग ना पढ़ें। एक वो पर्सन जो 5 साल से प्रैक्टिकली ये काम कर रहा है, प्रैक्टिकली अपने अकाउंट चला रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट करके अकाउंट चला रहा है, जब वो बंदा डिसहार्ट हो गया तो आप न्यू लोग क्यों इस फील्ड में आना चाह रहे हो? आके अपना नुकसान करोगे, उल्टा आप लोग मार्केट में आते ही डिसहार्ट हो जाओगे कि यार हमने पैसा लगाते ही डूब गया हमारा पैसा। तो इसका मतलब है आप न्यू लोगों को तो मशवरा नहीं देंगे? नहीं सर, बिल्कुल न्यू बंदे के लिए तो मेरा अमेज़न का मशवरा है ही नहीं। अब आपके जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकता, नाम लेने भी नहीं चाहिए, हमने किसी को हिट नहीं करना, हमने सिर्फ रियलिटी बतानी है। तो वो इन्फ्लुएंसर आजकल एडसी के ऊपर जा रहे हैं, अमेज़न की आवाज बंद हो चुकी है, एडसेंस भी काफी आ रही है, एडसी लेकिन ये है कि अब एडसी के ऊपर आवाज लगाई जा रही है, एडसी के ऊपर हैंडीक्राफ्ट बिक रहे हैं, एडसी के ऊपर ये बिक रहे हैं, उनकी तरफ से भी अमेज़न की जो है ना वो आवाजें कम हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि बहुत बड़ा जो ना मार्केट के अंदर ये चीज बन गया, सिनेरियो बन गया है यार, अमेज़न के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रो रहे हैं, ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मैं किसी के अकाउंट से बात नहीं कर रहा, कोई बंदा देखना चाहे तो मेरे पर्सनल अकाउंट चेक कर सकता है कि मेरे हर अकाउंट के अंदर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह $5,000 से $10,000 की जो है ना मेरी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स ऐसे ऐसे भी हैं जो मुझे जानते हैं इस वीडियो के तवज्जो से, क्या बताऊं, मुझे देखें तो उनको पता है कि मेरे क्लाइंट्स के लिए मैंने एक एक दिन की जो है ना वो $20,000-$25,000 की सेल दी हुई। अच्छा, ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पर, आपकी सेल का ग्राफ ग्रेजुअली अप जा रहा है, डाउन हो रहा है? अप डाउन हो रहा है सर, अप डाउन हो रहा है, हां अप, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल डाउन जा रहा है। उसकी डाउन की रीजन क्या है? डाउन की रीजन ये है कि जो है ना रिप्लेनिशमेंट नहीं है, स्टॉक नहीं मिल रहा पीछे से, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आपने प्रोडक्ट को फाइंड किया पूरी मेहनत के बाद, 1 महीना मेहनत की, 2 महीने मेहनत की, प्रोडक्ट को आपने फाइंड आउट किया, ब्रांड ने चलो आपको आपकी स्ट्रगल के बाद अप्रूवल दे दी, आपने ब्रांड से एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपने उससे उसका स्टॉक उठा लिया, ब्रांड ने कहा कि जी 10 लाख का स्टॉक उठाओगे तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगी, तो फिर आपने उसको 10 लाख रुपये दे के आपने प्रोडक्ट भी उठा लिया, उससे अप्रूवल भी हो गई, लॉन्च भी कर दिया, आपने अमेजोन पर भी डाल दिया। अब दूसरी चीज़ आती है, दूसरी चीज ये आती है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो या ना हो वो भी आपकी सरदर्दी, आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाए, रुक जाए, फंस जाए, तबाह हो जाए, वो भी आपकी सरदर्दी, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके प्रोडक्ट का अगर सपोज मिसाल के तौर पर अगर आपका प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाता है और उसकी सेल शुरू होती है, यानी 10 लाख का आपने प्रोडक्ट उठा के मार्केट में डाल दिया
और सपोज वो एक हफ्ते के बाद वो प्रोडक्ट आपका सारा सेल हो गया, आपके 10 लाख की जगह आपको ऊपर 1-2 लाख प्रॉफिट होकर पैसे आ गए आपके, अब सेकंड टाइम फिर आप उस ब्रांड के पास जाते हो, उसे कहते हैं जी 10 लाख रुपए और ले लो और मुझे जो है ना ये और अपना स्टॉक दे दो, और वो आगे आपको कहते हैं स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक ही खत्म हो गया। यानी आपकी पिछले जो 3-4 महीने की मेहनत, आपने जो उसको पहले फाइंड आउट किया, फिर अप्रूवल करवाई, फिर उस पर इन्वेस्टमेंट की, फिर उसको लॉन्च किया, वो चल भी गया, और चलने के बाद वो जब आपका रनिंग में आया तो फिर स्टॉक ही एंड हो गया। तो ये बड़ा रिस्की काम मैं समझता हूँ। देखिए हम जो काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं डिस्पैचिंग का, ये प्योरली एक तो हलाल काम है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, स्टॉक हमने नहीं करना, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने सर्विसेज देनी है। आप सर्विसेज दें और उसके पैसे लें, और ये सर्विसेज और जो पैसे, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप आगे जाके उसको गोरे को कहते हैं यार मैं तुम्हें ये सर्विसेज दूंगा या दूंगी, फीमेल भी कर सकती है, तो उसके अगेंस्ट मैं आपसे इतना चार्ज करूंगी, और ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कहता है ओके डन आई विल पे यू दैट स्पेसिफिक अमाउंट जो आप चार्ज कर रहे हो, और आपसे आपसे कमिटमेंट या एग्रीमेंट करने के बाद आपने उसको सर्विसेज दी हैं, और वो सर्विस देने के बाद उसने आपको पे कर दिया है। इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी फ्रॉड नहीं है, कुछ भी दो नंबरी नहीं है, टोटली हलाल बिजनेस है। लेकिन मैं तोशी भाई की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि ये अटक से आए हैं आज इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी कि 5 साल लोग तो नए अभी अमेज़न में हो रहे हैं, वो 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और वो आप जाके कह रहे हैं कि मैं इसको वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, जो हमारे स्टॉक्स पड़े हैं, इवन के मैंने जितनी भी मतलब इन वेयर हाउस मेरे जो स्टॉक्स पड़े हैं उसको भी जो है ना सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि कोई और सेल और नहीं सेल आउट होता तो वो डम हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो देखें रिटर्न पॉलिसी तो उसकी है नहीं सर, तो वो डम हो जाएगा। हाँ, तकरीबन राउंड अबाउट 3-4 हज़ार रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है ब्रांड की। नहीं सर कोई। अच्छा, यानी अगर नहीं सेल होता वापस भी नहीं लेगा, अगर वापस आप देते भी हैं तो आपको उल्टा अपने शिपिंग चार्जेस पे उनको वापस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती है कि भाई मोस्टली नहीं होती है, 99% जो है ना ब्रांड आपसे दोबारा रिटर्न नहीं लेता। ठीक है, तो वो स्टोरेज फीसेस डालने की वजह से हम लोग मजीद परेशानी में पड़ रहे हैं, इसी वजह से हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। राउंड अबाउट अगर इन्वेस्टमेंट से देखा जाए तो $3,000-4,000 हमारा लॉस हो जाएगा इस टाइम। यानी 5 साल लगाने के बाद एट द एंड आप कह रहे हैं कि मुझे लॉसेस नजर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। जब तक देखें कमाई थी अमेज़न ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा कमाया, बहुत जबरदस्त कमाया हमने, लेकिन अब नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से जो हालात बन गए इसके अंदर हमारे कुछ अपने हाथ भी हैं, कुछ जो है ना पिछले अमेज़न अपने अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है, जो इन होता है वो अपना भी ले आता है। मोस्टली ऐसा हो रहा है सर, हमारी काफ़ी ऐसी रनिंग प्रोडक्ट्स जो बहुत बेहतरीन चल रही थी, हमने एक रात सोए जो सुबह अगले दिन हमने देखा उस स्टोर को, तो उसके अंदर अमेज़न टॉप ऑफ द लाइन था। और अमेज़न के पास जब बाय बॉक्स आ जाए ना तो बाय बॉक्स आम सेलर को मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो अमेज़न को ना शिपिंग पड़ रही है, ना FBA फीसेस पड़ रही है, हमें तो सब कुछ पे करना है, हम कैसे फ्लेट पे बेचें। बिल्कुल, हम बिल्कुल ब्रेक इवन पे भी जाके बेचते हैं ना सर, तो हमें क्या प्रॉफिट है, अपना पैसा लगा के वही वापस ले रहे हैं। बिल्कुल, और आपके पूरे महीने की जो मेहनत है वो अलग, पूरे महीने की मेहनत, VAs वगैरह हमारे होते हैं, बकायदा प्रोडक्ट हंटिंग। कितने लोगों की टीम है आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न के हवाले से जो मैं काम कर रहा था, मेरे पास 5 से 7 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, अमेज़न पे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 22 से 25 लड़का जो फेसबुक के प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक अमेज़न के आपके पास 7 लोग? हां 7 लोग। अब वो 7 में से भी समझे कि मैं अकेला रह गया हूं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वो लड़कों को लाने सी बात है कि क्लाइंट्स नहीं है, फिर सेल्स नहीं है, तो उस वजह से वो कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है कि पहले तो एक प्रोडक्ट भी $10 की बिक जाती है अगर डिमांड करते हैं। बिल्कुल, अब तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, तो आप FBA की प्रोडक्ट्स कहां से निकालेंगे, फिर पे कहां से करेंगे, आपने पे भी तो करना है ना। इस वजह से वो लड़के अब स्विच हो गए हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे चले गए हैं, तो इसीलिए हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो हमारा मशवरा तो यही है कि जनाब आप अमेज़न को छोड़ें और जो ये सर्विसेज का बिजनेस है इस तरफ आए, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों को अपने स्किल्स को पॉलिश करें, ताकि डे बाय डे ग्रोथ हम लोगों को मिले। आगे दौर भी सर्विसेज का, सर्विसेज का आगे दौर सर्विसेज का, क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है कि एक दिन अमेज़न ने तमाम प्रोडक्ट्स पे खुद ग्रिप कर लेनी है। खुद ग्रिप ऑलरेडी, जो डेड प्रोडक्ट्स होंगे वो तो हम जैसे लोग बेचेंगे, और जो हॉट प्रोडक्ट होंगे वो अमेज़न खुद ही ले आएगा मार्केट में। और दूसरी बात, एक और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि खाली ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके अकाउंट्स बैन होते हैं, ये झूठ है। अच्छा, ये सरासर झूठ है। हमारे FBA के कितने अकाउंट्स बैन हुए हैं, FBA के बैन हुए हैं, ये रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है। FBA का मतलब भी बताएं, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon होता है, ठीक है, जो Amazon खुद फुलफिल कर रहा है, हमारा स्टॉक वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, और आपके स्टॉक को जो आगे पैकिंग चेकिंग करके भेजता है, सारे ऑर्डर को कंप्लीट करता है, वो Amazon करता है, वो Amazon करता है। और उस पे भी हमारे मेरे अपने मतलब मेरी टीम के 3 लड़के थे जिनके अकाउंट बैन किए गए। अच्छा, हमने जब सपोर्ट से बात करी तो सपोर्ट ने कहा कि जी हो सकता है कोई सिस्टम एरर आ गया हो, और आप यकीन मानेंगे कि अभी तक उनकी पेमेंट फंसी नहीं है, कोई डिस्बर्समेंट नहीं हुई। ये अगर अकाउंट बैन हो जाए तो जितनी पेमेंट अंदर होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है।
वो ब्लॉक हो जाती है 3 महीने के लिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 3 महीने के बाद अपील करते हैं जितने भी डॉलर वो भी गए। जी हाँ, उसके बाद डिस्पर्समेंट अपील होती है। डिस्पर्समेंट अपील आप करेंगे, उनको बताएंगे कि जनाब अमेज़न के अंदर हमारी अमाउंट फंसी है और इस वजह से फंसी थी, तो हम लोग अपने पैसे रिटर्न चाहते हैं। और ये कितना टाइम पीरियड में पैसा आपका निकलता है? ये 90 डेज के बाद आप उनके ऊपर डिपेंड करता है। 90 डेज से तो अपील ही नहीं कर सकते। नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है सर? हमें तो तकरीबन 7-8 माह हो गए अभी तक पैसे फंसे हुए। 7-8 माह हो गए हैं, और ये तोशी भाई का कहना है कि सिर्फ ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट ब्लॉक नहीं होते, FBA जो कि अमेज़न खुद आपको कहता है कि FBA करो, अपना प्रोडक्ट लेकर आओ, वो अपना प्रोडक्ट वो कहते हैं जो हमने वहाँ पे परचेज करके स्टॉक में उनके इन्वेंट्री में रखवाया, हमारे वो अकाउंट भी ब्लॉक हो गए हैं। और 4 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, और उस अकाउंट के अंदर जितनी पेमेंट होती है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, जो स्टॉक होता है, वो भी सारा फंस जाता है। वो सब चीजें सर होता है, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। 90 डेज के लिए ब्लॉक हो जाता है। 90 डेज के बाद जाके आप सिर्फ अपील कर सकते हैं कि जी बराए मेहरबानी, खुदा का वास्ता आपका, कि वो जो मेरे पैसे फंसे अल्लाह के नाम पे मुझे वो वापस कर दो। यानी अपने पैसे भी आप भीख मांगते हो कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, आपकी मेहरबानी। वन टाइम अपील का चांस है आपके पास, वन टाइम अपील। हां जी, आप एक दफा अपील करेंगे, अपील करने के बाद अगर तो अप्रूव हो गई तो नेक्स्ट पे आउट में आपकी पेमेंट आ जाएगी। अप्रूव ना हुई आपके फंड्स खत्म। यानी तोशी भाई कह रहे हैं कि आपके पास जो अपील का चांस है वो भी सिर्फ वन टाइम है, कि एक दफा आपने अपील कर दी कि खुदा का वास्ता मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पैसे हैं जो फंसे हैं, वही मेरी वापस कर दो, और वो भी उनके रहमो करम पे। अगर वो कर दे तो ठीक, ना करें तो वो भी डूब गए आपके पैसे। यानी इतना हाई रिस्क, और उसके बाद वो कह रहे हैं 7-8 महीने हो गए हैं मेरे अभी तक, जो मेरे अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, मेरे जो पैसे हैं वो अभी तक मुझे नहीं मिले। तो नए बच्चों को बेसिकली, तोशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अमेज़न के बारे में बहुत कुछ बताया। तो नए बच्चों को या जो लोग अमेज़न कर रहे हैं, मैं उन सब लोग जो अमेज़न पे अभी लर्निंग कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फजूल सी फील्ड को, मैं इसको फजूल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी स्टोरी 5 साल के बाद वो अगर वाइंड अप कर रहे हैं तो मेरे लिए फजूल ही है। यानी लोग बिजनेस करते हैं कि यार 5 साल बाद मेरी ग्रोथ हो, मैं आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं 5 साल बाद इससे नेक्स्ट लेवल पे हूँ। लेकिन अगर 5 साल बाद आप जाके ये सोचें कि यार मैं इस बिजनेस को बंद कर दूँ, वाइंड अप कर दूँ और नुकसान करके बंद करूँ, तो वो फजूल बिजनेस ही हुआ ना। हमारे मुल्क में ऑलरेडी रेवेन्यू की बहुत कमी है, यहाँ पर लोग बड़ी मुश्किल से, कोई अपनी ज़मीन बेच रहा है तो कोई अपना गोल्ड बेच रहा है, चीज़ें बेच बेच के वो आके इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं अमेज़न में, और एट द एंड अगर आपने लॉस ही लेना है। ये मैं एक रियलिटी, एक फैक्ट आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि इस फील्ड में ना है खुदा का वास्ता, ये नए लोगों के लिए नहीं है। जो पुराने लोग अगर कोई लकीली कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नए लोग आके जो कोर्सेज बेच रहे हैं, उनकी दुकानें चला रहे हैं, उनको पैसे भर रहे हैं, वो पैसे बेहतर है आप अपने घर वालों को खिलाएं। और ये सर्विसेज मैं डिस्पैचिंग सर्विसेज की इतनी डीप इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और फ्री में दे रहा हूँ, यूट्यूब पे किसी से कोई चार्ज भी नहीं कर रहा। आप लोग इस सर्विसेज के बिजनेस में आए, चाहे आप फाइबर अपवर पे काम करें, एज अ फ्रीलांसर काम करें, एज आप अपना डिस्पैचर काम करें, एज अ सेल्स पर्सन कॉल करें काम करें, ये सारी सर्विसेज का आपने सर्विसेज देनी है, उसके अगेंस्ट पैसे चार्ज करने हैं। तो ये बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आप सिंगल पर्सन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ आप इसमें वन बाय वन टीम ऐड करते जाएं, फिर एकदम इंशाल्लाह आपका एक बिजनेस बड़ा डेवलप हो जाएगा। आज आप जिस लेवल पे जीरो भी होंगे तो 5 साल बाद आप किसी जगह पे होंगे, किसी लेवल पे होंगे आप। तो प्लीज अमेज़न और अमेज़न के ये लेक्चरर और ये फजूल कोर्सेज, इनसे दूर रहें। ये एग्जाम्पल आपके सामने तोशी भाई बैठे हुए हैं, इनसे, इनकी बातें मैंने सिर्फ इसलिए आज आपको मैं वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा था ताकि लोगों को पता चले अमेज़न की रियलिटी क्या है। जो सबस बाग आपको लोग दिखाते हैं, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सिर्फ अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, इनके चक्रों में ना पड़े। तोशी भी कह रहे हैं कि एक टाइम था अमेज़न में लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। तो इस टाइम को अवेल करें, बजाय इसमें लगाने के किसी और पॉजिटिव अपनी डायरेक्शन बनाएं, अपनी डायरेक्शन डिस्पैचिंग में लेके आए, किसी भी सर्विस काम में लेके आए, और अपना टाइम सही डायरेक्शन में लगाएं बजाय इस फजूल कामों में पढ़ने के। बाकी इंशाल्लाह सी द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।